देखिए दिस स्लोप रिलेशन जो आपने देखा कि वेलोसिटी जो वी होता है वो क्या होता है तो डी एक्स बाई डी टी होता है ठीक है और इससे आपको क्या पता चला कि जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है इट इज द स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस वर्सेस टाइम एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो है ये स्लोप होता है वेलोसिटी तो द स्लोप रिलेशन रिवील्स दैट इफ एक्स वर्सेज टी इज ए स्ट्रेट लाइन देन इट इम्प्लाइज दैट द स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉन्स्टेंट नेचुरली अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है ठीक है किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो स्लोप के बारे में अगर जानना चाहो तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैं ये कह रहा हूं सपोज करो जैसे टी वन टाइम है ठीक है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे ही जो है सो तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी उसी उसी प्रोपोर्शन में जो है सो तो जो पॉजिशन होगा पार्टिकल का ओरिजन से वैरी करेगा ठीक है तो इसीलिए जो है सो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका स्लोप कॉन्स्टेंट है ठीक है एज द एक्स एज द टाइम इंक्रीजेज एंड सो प्रोपोर्शनली द प्रोपोर्शनलीसमेंट इंक्रीजेज एंड दैट्स वाई द स्लोप इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टेंट स्लोप तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो अगर मान लो कि किसी भी पार्टिकल का जैसे सपोज करो कि कोई पार्टिकल है Uh, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में है और ये जो है ये ओरिजन है ये ओरिजन है? है ये हमारा ओरिजन है और कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो ऐसे ये कोई पार्टिकल है ये मूव कर रही है तो जब ये पार्टिकल मूव कर रही है ठीक है और उसका जो प्लॉट

अगर कि अगर दो पार्टिकल मोशन में ठीक है मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे दो पार्टिकल मोशन में है एक पार्टिकल तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिया ब्लैक लाइन से और एक पार्टिकल मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्रीन लाइन ग्रीन डॉट्स ठीक है ये भी मोशन में है ये पार्टिकल सपोज करो ए है और ये पार्टिकल सपोज करो बी है और इनका जब मैंने प्लॉट किया तो इस तरह का प्लॉट है ये जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा ये जो एंगल है मान लो ये बना थीटा है और ये जो एंगल है ये क्या बना थीटा बी तो स्लोप क्या होगा स्लोप जो होगा स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी वी एंड दिस इज इक्वल टू तो टेन थीटा ए और दूसरा वी बी जो होगा वो क्या होगा तो टेन थीटा बी होगा ठीक है तो आप देख रहे हो कि थीटा में ज्यादा है तो इसके केस में वी -बी के केस में थीटा की वैल्यू ज्यादा है मतलब इसका स्लोप ज्यादा है ठीक है की वैल्यू इसी केस में ज्यादा आएगी तो तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो हो इस B का, बी इस आप ये जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये जो पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी ए से मूव कर रहा है ये तो वी ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे तो वी ए के वेलोसिटी से तो आपने देखा कि कैसे जो है सो डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्लॉट से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है और साथ में यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है वो स्लोप पे डिपेंड करेगा टेन थीटा की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगा जो है सो ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब देखो क्या है कि इफ़ इट इज़ अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन अगर प्लॉट आप करते हो और प्लॉट कुछ ऐसा आता है किसी भी पार्टिकल का सपोज करो कि कोई पार्टिकल मोशन में है जैसे मैंने कहा कि ये ले लो ये एक और सरफेस है और इस पर कोई पार्टिकल यहाँ ओरिजन है मैंने इसको ओरिजन माना है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है ठीक है ये जो है सपोज को ओरिजन से यहाँ पे पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है से इस पर मैंने रिप्रेजेंट किया अगर उसका प्लॉट स्ट्रेट लाइन आता है इसका क्या मतलब है कि ओरिजन से ये जो ये जो जगह सपोज करो ये जो डिस्टेंस ओरिजन से है ये डी वन है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से डी वन पोजिशन पे टी इक्वल टू जीरो पर क्या है इस पोजिशन पे टाइम की वैल्यू क्या होगी टीवल टू जीरो पे पार्टिकल जो है ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे है ठीक है उसके बाद टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल का पॉजिशन जो है पार्टिकल उसी पॉजिशन पे मेंटेन है तुम अगर गौर से देखो तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन पार्टिकल उसी पोजिशन पे मेंटेन है इसीलिए क्या है स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसका मतलब तुम कह सकते हो कि ये जो है ये जो कर्व है वो किसको बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल एट रेस्ट द कर्व रिप्रेजेंट 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 ए पार्टिकल पार्टिकल एट रेस्ट ठीक है और कहां पे है पार्टिकल कहां पे है तो एट ए डिस्टेंस डी वन अगर मान लो ये जो डी वन डिस्टेंस है या डी डिस्टेंस है तो ये एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड एट ए डिस्टेंस ठीक है डी विथ रिस्पेक्ट टू टू ओरिजन ठीक है ओरिजन से डी डिस्टेंस पे अगर ऐसा होता कि हम प्लॉट कुछ ऐसा आता ये रहा निगेटिव एक्स एक्सिस और प्लॉट हमारा अगर देखो तो अगर ऐसा प्लॉट होता ठीक है प्लॉट अगर कुछ ऐसा आता तो ये इस और ये माइनस डी मान लो होता ये जो डिस्टेंस है चूंकि तो ये माइनस वाई एक्सिस है ये क्या हो गया दिस इज माइनस वाई एक्सिस तो ये माइनस डी होगा तो इसका मतलब क्या है अगर पार्टिकल देखो तो पार्टिकल यहाँ भी रेस्ट में ही है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन यहाँ क्या है कि पार्टिकल ओरिजन से क्या है माइनस डी डिस्टेंस मतलब ये ओरिजन हुआ ठीक है ये ओरिजन हुआ तो ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा और इधर ओरिजन के इस साइड में एक्सिस ले लो तो ये तो तो वो में इधर पार्टिकल ये डी डिस्टेंस पे अगर ऐसा होता तो पार्टिकल का प्लॉट ये नीचे बनता जो है सो तो इस चीज को समझना काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लॉट अगर मान लो कि निगेटिव डायरेक्शन में मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में मतलब कि ओरिजिन के

ठीक है तो ऐसे ही जो है सो तो आप मतलब चीजों को कंक्लूड कर सकते हो अगर आपको उसी ये प्लॉट दे दिया जाए तो आप इन इन सारी बातों को जो है इस प्लॉट को देख करके ही कंक्लूड कर सकते हो जो ठीक है अब चलते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स को जानते हैं कि हम एक्सडी कर् से क्या क्या चीजें हमें पता चलती है कि अगर एक्स वर्सेज टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है इफ इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इट मीन्स डेट इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है एक्स वर्सेस टी प्लॉट जैसा कि हमने कहा भी आपको कि जैसे हमने कर्व प्लॉट किया पिछले स्लाइड्स में तो कर्व अगर सपोज करो कि अगर कर्व ऐसा आ जाता है ठीक है तो ये क्या हो गया ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है स्लोप इसका कॉन्स्टेंट है स्लोप कॉन्स्टेंट है मतलब वेलोसिटी जो है वेलोसिटी क्या हो रही है कॉन्स्टेंट रह रही है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रही क्योंकि जैसे जैसे देखो यहाँ देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये से मान लो टी वन टाइम है या टी टू टाइम है तो ये क्या है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है कि पार्टिकल का जो स्लोप मतलब जो इस कर्व का स्लोप है वो क्या रह रहा है कॉन्स्टेंट रह रहा है और अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या रह, रह, रह रहा है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है क्योंकि तुम जानते हो कि वेलोसिटी वी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी तो अगर ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट हो गई और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गए तो तुम कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन में लेकिन सपोज करो कि अगर किसी पार्टिकल का जो प्लॉट है ये जो डिस्प्लेसमेंट ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस का जो प्लॉट था उसको ऐसा प्लॉट आ गया ऐसे केस में देखोगे तो ये जो कर्व है उस पर किसी भी लाइन किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं हम उस पर वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वट वी डू वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन जैसे इस पॉइंट पे यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तुम देख रहे हो कि टेंजेंट लाइन जो आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल है थीटा वन या ये जो एंगल है ये थीटा टू तो ये जो आपका थीटा वन है थीटा टू है ये क्या अलग अलग है क्या हो रहा है ये जो एंगल है थीटा वन थीटा टू हर पॉइंट पे जैसे यहाँ स्लोप लोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या बनेगा थीटा थ्री तो तुम क्या देख रहे हो कि स्लोप वैरी कर रहा है तो अगर आपका स्लोप जो है ये क्या है एक्सटी कर्व है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक्सटी कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो स्लोप क्या होगा स्लोप हमारा वैरी करेगा स्लोप क्या होगा? तो वैरी करेगा स्लोप किस चीज का तो स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू कर्व क्या स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट टू कर्व टेंजेंट टू कर्व ये क्या करेगा वैरी करेगा और स्लोप वैरी करेगा मतलब आपका वेलोसिटी वैरी करेगा और अगर वेलोसिटी वैरी करेगा मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी माना जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन यदि एक्सटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसको आप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे इज द स्लोप ऑफ द कर्व इज एन एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल मतलब क्या जैसे ये जो एंगल बन रहा है थीटा वन ठीक है तो यदि थीटा की जो तो वैल्यू है थीटा वन या थीटा टू या थीटा थ्री जो भी एंगल आप देख रहे हो अगर ये लेस देन 90 डिग्री है लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है स्लोप क्या है एक्यूट एंगल है क्या है ये एक्यूट एंगल है और ऐसा भी केस आएगा कि स्लोप ऑफ ट्यूज एंग हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज एक्यूट एंगल मीन्स इट इज पॉजिटिव क्योंकि आपको पता है कि टें थीटा जब टेन थीटा का जो वैल्यू है स्लोप क्या है टेन थीटा इन स्लोप है आपका और अगर स्लोप है टेन थीटा और अगर थीटा की वैल्यू लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी क्या होगी हमेशा पॉजिटिव 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 होगी तो इफ द द स्लोप ऑफ इज इज एंगल इट मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो पार्टिकल क्या मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस से मतलब जैसे मान लो इसको जब लिनियरली प्लॉट करोगे और इसको जब तुम लिनियरली प्लॉट करोगे और अगर ये तुम्हारा ओरिजिन होगा ठीक है और अगर ये ओरिजन है और पार्टिकल पर जो तो स्लोप आ रहा है हर पॉइंट पे वो क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि पार्टिकल किधर की ओर मूव कर कि अवे फ्रॉम द दिन इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है ये जो तुम्हारा जो लाइन है ठीक है अवे फ्रॉम द ओरिजन पार्टिकल मूव कर रहा है ठीक है एंड इफ इट इज एंगल ठीक है तो क्या होगा स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि जब तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी तो क्या होगा ऑप्टूज एंगल हो गया और अगर ये ऑप्टूज एंगल हो गया तो क्या हो गया स्लोप क्या हो गया हमारा स्लोप हो गया हमारा नेगेटिव और अगर स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया तो पार्टिकल इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ निगेटिव निगेटिव पार्टिकल इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस टू द ओरिजिन मतलब पार्टिकल जो है so इधर की ओर आ रही है ठीक है मतलब ये से मान लो ये है मेरा एक्सिस है ठीक है और ये है हमारा ओरिजिन ठीक है दिस इज माई ओरिजिन तो अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है अगर जो कर्व है जो आपका प्लॉट है उस प्लॉट पे किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो पार्टिकल अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और अगर स्लोप आपका निगेटिव आ रहा है तो मूविंग ऐसे इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रही है स्लोप अगर निगेटिव है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ठीक है चलिए हमने उसको आगे बढ़ाते हैं हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम यहाँ प्लॉटेड है ठीक है और ये प्लॉट हमारा कुछ इस तरह का है ठीक है इस प्लॉट को अगर आप देखें तो हम मैंने दो डिफरेंट टाइम स्टांट लिया टी वन टाइम स्टांट टी टू टाइम स्टांट आपको दिख रहा होगा कि टाइम जो टाइम स्केल है तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि टी टू इज ग्रेटर देन है मतलब टी टू जो है ग्रेटर देन दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि दोनों टाइम स्टांड पे जब आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है तो ये जो एंगल बन रहा है ये जैसे मान लो यहां बना एंगल थीटा वन और ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा टू ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्योंकि क्या है? कि जो वन है या फिर जो की वैल्यू है वो लेस देन क्या है नाइनटी डिग्री है इसीलिए स्लोप क्या है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है तो एक्यूट एक्यूट है और इसीलिए क्या हो जाएगा तो स्लोप जो हमारा टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी टेन थीटा की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगी इसी इतना इतना ही से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी पार्टी जैसे सपोज करो मैं ये इस प्लॉट को कहीं ना कहीं इस तरह से कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये हमारा एक सरफेस है और और हमारा ओरिजिन ये है और एक कार हमारा पार्टिकल है तो टी वन टाइम पर पार्टिकल

एक्सिस की तरफ मूव कर रहे यही चीज़ अगर आपका इधर की ओर मान लो होता और प्लॉट कुछ ऐसा होता तो उससे फिर आप निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करते तो आप उस चीज़ को तो यही अभी ड्रॉप करें ठीक है तो आपने एक चीज निकाल लिया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्यूट है इसीलिए स्लोप पॉजिटिव है स्लोप पॉजिटिव है और आप देख रहे हैं कि सारा कॉर्डिनेट क्या है तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही पॉजिशन दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजन दूसरा चीज है कि स्लोप और

कहीं कहीं आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो क्या हो रहा है तो घट रहा है क्या हो रहा है और स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या चीज कि स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है डी एक्स बाई बी टी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा क्या हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल घट रही है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टाइम बढ़ रहा है बीच में भी इंटरमीडिएट टाइम होगा तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर की ओर टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इस प्लॉट के हिसाब से जो है सो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो घट रही है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा और भी कम होगा ठीक है तो स, अगर वेलोसिटी घट रही है तो आप यहाँ से कोरिलेट करिए कि कोई कोई पार्टिकल मूविंग है मान लीजिए वेलोसिटी से मूविंग है और इसकी वीवन यहाँ है और यहाँ पे वीटू वेलोसिटी ठीक है वेलोसिटी आपको पता है स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है मतलब कही कहीं ना कहीं वी टू जो है वो क्या है तो वीटू कम है इज लेस देन होगा ठीक है साथ में एक चीज आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो तो इस पे एक्सेलेशन एड कर रहा होगा या फिर फोर्स एड कर रहा होगा जो इसको स्लो कर रहा है तो ये डीएक्लेशन का केस है ठीक है सो हेंस द पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये तो समझ में आ गया कि पार्टिकल जो है आपका वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ठीक है एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन विद ए वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब डी एक्सेलेरेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन का केस है तो ये जो प्लॉट है आपको ये प्लॉट क्या शो कर रहा है ये प्लॉट शो कर रहा है आपको डी एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल क्या शो कर रहा है डी एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन ठीक है फ्रॉम ओरिजन का केस है ये, तो कोई पार्टिकल मूव कर रही है और आप देख रहे हो कि सारा जो पॉजिशन है, वो क्या है? है. मतलब इस केस में सारा जो पॉजिशन मतलब है, वो क्या है पार्टिकल के ओरिजन के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव है तो पार्टिकल अवे फ्रॉम द ओरिजन और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और साथ में ये क्या है डी तो एक्सिलेटेड है तो आपको इस ये प्लॉट ही सफिशियंट है ये बताने के लिए कि पार्टिकल डीएक्लेटेड मोशन में है या नहीं है चलिए अगर आपने एक केस समझा होगा पिछले स्लाइड तो इसको समझ पाएंगे दो टाइम स्टांड हमने लिया ये प्लॉट है डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट है किसी पार्टिकल का ठीक है ये प्लॉट आप देख रहे हैं दो टाइम स्टांड टी और टी हमने लिया है और इस T1 वन एंड टी टाइम स्टांड पे जो कर्व का पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रखा है ठीक है तो जैसे यहाँ पे टेंजेंट यह ड्रॉ किया यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ देखिए ये क्या है ये ऑप्ट्यूज एंगल है ये जो एंगल क्या है एंगल क्या है इसका ऑप्टूज एंगल है इसको देखिए तो ये क्या है गेटा तो नाइनटी डिग्री है जैसे सपोज करिए थीटा वन एंगल है और यहाँ पे थीटा टू एंगल है ठीक है और यहां पे क्या हो रहा है कि जो एंगल है थीटा वन या थीटा टू ये सब क्या है ऑप्टूज एंगल है क्या है ये ऑप्टूज एंगल है मतलब क्या चीज तो स्लोप क्या है स्लोप जो है आपका जिसका वैल्यू क्या होता है टेन थीटा ये क्या होगा ये आपका निगेटिव स्लोप है ये तो चीज समझ में आ रही है आपको तो इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो वी सी दैट द स्लोप एट दाइम टी टू अब दूसरी बात समझिए कि पॉइंट पे आप देख रहे हैं इस लाइन कितना स्लैंड मतलब है इसका स्लोप क्या है कम है तो स्लोप तो एट द टाइम टी टू इज लेस देन द स्लोप एट द टाइम टी वन टी वन टाइम पे पार्टिकल यहां नोटिस किया गया और इस लाइन का स्लोप आप देख रहे हैं ठीक है कितना खड़ा है ये लाइन और ये जो लाइन है वो कितना सोया हुआ है तो इससे भी आप स्लोप को कंक्लूड कर सकते हैं तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं वी सी द स्लोप एट द टाइम टी टू इस पॉजिशन पे जो स्लोप है ये जो है ये जो स्लोप है टेंटी डा टू की वैल्यू तो स्लोप एट द टाइम टी टू इज लेस देन द स्लोप एट द टाइम टी वन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और इस पोजिशन पर स्लोप कम है तो कहीं कही ना कहीं ये प्लॉट क्या है इस प्लॉट में स्लोप जो है वो टाइम के हिसाब से स्लोप घट रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप घटता जा रहा है पार्टिकल इज डिक्रीजिंग घट रहा है इसका मतलब जो है है है? वो घट रहा रहा का। क्या हो रहा है? तो डिक्रीज कर रहा है का केस हो गया। दूसरा चीज कि आपका जो तो देख रहे हैं ऑप्टूज एंगल है और ऑप्ट्यूज एंगल का केस क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है द तो दिजन जो है so, तो जैसे ऑप्ट्यूज एंगल है दूसरा चीज ये देखिए यहां पे तो हमने देखा कि स्लोप जो है इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम मेरा इंक्रीज बढ़ रहा है ये जो है वो टाइम एक्सिस है और जैसे जैसे टाइम हम इस एक्सिस को ट्रेवल कर रहे हैं टाइम मेरा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि स्लोप जो है डिक्रीज कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ द टेंजेंट दोंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व आप देख रहे है, हैं कैसेज डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम बट इन दिस केस द स्लोप इज ऑप्टूज स्लोप क्या ऑप्टूज है मतलब निगेटिव है इसलिए हैंस द पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस टू आर्स ओरिजिन मतलब अगर देखिए इस कर्म को देख करके अगर आप मोशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो सपोज करिए ये है ठीक है तो ये केस कुछ इस चीज़ को कोरोस्पॉन्ड कर रहा है ये जो चीज आप देख रहे हैं ये रियल केस है इस, इसी केस का प्लॉट यहाँ पे किया गया है ठीक है आप क्या देख रहे हैं कि T1 टाइम पे T1 टाइम पे जब आपने देखा तो स्लोप क्या आया ऑप्टूज आया स्लोप ऑपट आने का मतलब क्या है इस पार्टिकल जो है वो क्या है मूविंग टार्ड्स पार्टिकल इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स ठीक है द ओरिजिन यहां पे क्या है तो पार्टिकल जो है है सो की ओर मूव कर रही इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि ये एक ऐसे, एक ऐसे ऐसे पार्टिकल के मोशन का कर्व है जो कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में टुआर्ड्स द ओरिजिन मूव करने की कोशिश कर रही है समझो इस चीज को इस प्लॉट से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये प्लॉट एक ऐसे पार्टिकल के मोशन का प्लॉट है जिसमें पार्टिकल क्या हो रहा है तो टॉर्ड द ओरिजिन मूव कर रहा है ठीक है टुअार्ड द ओरिजिन मूव कर रहा है तो अगर आप देखो यहां से तो ये टी टू ये यहां पर टाइम टी टू है और यहां पर टाइम टी वन है ठीक है ये मैं मिस्टेकली यहां पे लिख चुका था टी वन टाइम पे पार्टिकल देखो तो तुमको कितना डिस्टेंस है ज्यादा डिस्टेंस पे तो मान लो टी वन डिस्टेंस पे नोटिस किया गया है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस में डी वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है तो टी वन टाइम पे पार्टिकल यहां है और टी टू टाइम पे जब टाइम बढ़ा तो पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो गया घट गया ये डी टू हो गया ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है डी टू है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल क्या मूव कर रहा है तो टू आर्स तो ओरिजिन मूव कर रहा है ठीक है और अभी जो जितना भी पोजिशन कोर्डिनेट्स है वो ये दिखा रहा है कि पार्टिकल जो है यहीं तक अभी प्लॉट इसने प्लॉट प्लॉट में यहीं तक आ रहा है ठीक है हो सकता था कि ये प्लॉट निगेटिव एक्स डायरेक्शन को भी मतलब इधर भी जाता और ये इधर भी जाए तो उस केसेस में पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करके इधर की ओर जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर पार्टिकल अगर किसी भी पार्टिकल के मोशन का जो प्लॉट है अगर उसका स्लोप ऑप्टूज है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस टॉर्ड द ओरिजिन ठीक है और दूसरी बात ये कि अगर आपका जो है सो स्लोप डिक्रीजिंग है ठीक है अगर आपका स्लोप क्या है घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में जब स्लोप घटता है इसका मतलब वो डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है मतलब क्या चीज कि ये मोशन तो इधर कर रहा है वेलोसिटी तो इस पर इधर है

टाइम टी टू मतलब क्या जिसकी वेलोसिटी 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 जो t1 पे है, वे, t1 पे जो टाइम टाइम पे पे है है इट इज क्या ग्रेटर देन जो टी टू टाइम पे वेलोसिटी है तो ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है मतलब वी टी वन मान लो इसको और यहाँ जो वेलोसिटी है वी टी टू है तो यहाँ क्या हो रहा है कि वी टी टू की जो वैल्यू है

वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है ठीक है अब इस प्लॉट से अगर आप देखो तो आप क्या करोगे समझने के लिए दो टाइम स्टांट लोगे T1 टाइम पे और T2 टाइम पे दोनों दो टाइम स्टांड पे क्या किया हमने हमने जो है सो तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया एक टेंजेंट लाइन यहाँ ड्रॉ किया और एक टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टच करना चाहिए जिस टाइम स्टांड पे आपने प्लॉट को कंसिडर किया है उस टाइम स्टांड पर वो लाइन जो है उसको टच करना चाहिए और कहीं नहीं टच करेगा टेंजेंट क्या होता है किसी कर्व पर सिंगल पॉइंट पे टच करता है तो अब देखो कि दो टेंजेंट हमने लिया T1 और T2 पे ठीक है अब यहां देखो तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होगा तो ये देखो ये आपका हो गया ये ये क्या हो गया ये मान लो ये टाइम एक्सिस हो गया तो ये जो एंगल है सपोज करो ये थीटा वन एंगल बना और ये जो एंगल है वो थीटा टू एंगल बना तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कैचेस की थीटा वन हो या थीटा टू हो सब क्या है लेस देन नाइन्टी डिग्री है लेस देन नाइन्टी डिग्री है मतलब ये एक्यूट एंगल है क्या है ये एक्यूट एंगल है और इसीलिए स्लोप क्या होगा इसका तो स्लोप जो होगा ये पॉजिटिव होगा स्लोप है पॉजिटिव ठीक है आप समझ गए स्लोप आपका क्या होगा तो पॉजिटिव होगा और जब स्लोप पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो रहा है पार्टिकल इज मूविंग मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूविंग अवे अवे फ्रॉम ओरिजिन स्लोप पॉजिटिव है इसको रटने की जरूरत नहीं है आप खुद भी देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल का पॉजिशन है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल क्या हो रहा है अगर ये मान लो ये प्लॉट है ये लाइन है और ये ओरिजिन है हमारा देखिए दिस इज द ओरिजिन ठीक है ये ओरिजिन है तो पार्टिकल की ओर मूव कर रही है

मतलब पार्टिकल इधर तो मूव कर ही रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल ओरिजिन से मान लो कि टी वन टाइम पे यहां नोटिस किया गया ठीक है इसको ऐसे समझो टी वन टाइम पे यहां नोटिस किया गया और टी टू टाइम पे यहां नोटिस किया गया ये क्या है ये है हमारा टी वन टाइम ठीक है और ये हमारा टी टू टाइम पे पार्टिकल नोटिस किया गया ठीक है अगर तुम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस दिखाना चाहो तो मैं ऐसे दिखाता हूँ ये डी वन डिस्टेंस पर नोटिस किया गया पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डी टू डिस्टेंस पर नोटिस किया गया तीसरा चीज क्या आप देख रहे हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है क्या स्लोप बढ़ रहा है तो अगर ये मान लो यहाँ पे जो है सो so वी वन वेलोसिटी है अगर पार्टिकल की और यहाँ पे अगर वी टू वेलोसिटी है तो आप साफ देख रहे हो कि स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं मतलब पार्टिकल वी टू इज ग्रेटर देन क्या है तो वी वन है समझ तो में आ रही है बात तो वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो पार्टिकल क्या है एक्सिलेटेड मोशन में

तो ये समझ गए दूसरा ये प्लॉट देखें इस प्लॉट का अगर एनालिसिस करना है क्या करना है हमें दो पॉइंट लेना है टाइम स्टार्ट पर टी वन टाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया टी टू टाइम पे एक पॉइंट लिया ठीक है मैंने स्लोप ड्रॉ किए एक स्लोप हमने यहाँ ड्रॉ किया टी वन टाइन पर जो स्लोप है मैंने यहाँ दिखाया है ये स्लोप को दूसरा मैंने टी टू टाइन पर इस पॉइंट पे एक स्लोप यहाँ ड्रॉ किया अब अगर आप देखें तो आपका जो लाइन है स्लोप ये जो एंगल है और यहाँ ये जो अगर देखें ये स्लोप लाइन है ये ये ंगल है तो आप क्या देख पा रहे हैं थिरे? कि इस केसेस में जो है सो क्या हो रहा है तो पार्टिकल जैसे जैसे टाइम के हिसाब से पार्टिकल मूव कर रहा है कितना स्लैंटिंग लाइन है लेस स्लोपी है स्लोप क्या हो रहा है यहां कम है और जब यहां आते हैं तो स्लोप क्या है सादा है मतलब क्या है कि यहां भी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप जो है स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है एक्सिलेटेड मोशन में दूसरी बात आप क्या देख रहे हो क्या चीज टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक तो आपने देखा कि स्लोप क्या है हमारा ऑप्टिव है तो स्लोप अगर ऑप्टिव है हमने ऐसे तो पढ़ा रखा है कि अगर सपोज करो कि ये इस तरह का प्लॉट हो और ये हमारा मान लो कि ऑरिजन है दिस इज द ऑरिजन है अब यहाँ देख रहे हो क्या चीज़ की स्लोप ऑपटिव है ठीक है और स्लोप का कहने का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है सो तो आपका

मतलब टी वन टाइम पे पार्टिकल कहाँ है इस पोजिशन पे है ये हो गया टी वन टाइम पे ठीक है और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो गया है यहां पर डी वन ठीक है डी वन टी टू टाइम स्टैंड पे क्या आ जाता है पार्टिकल ओरिजिन से कम डिस्टेंस पे आ जाता है यहां आ जाता है मतलब कहीं ना कहीं अगर देखो तो इसको मान लो ये डिस्टेंस है और ये जो है ओरिजिन से ये डी टू डिस्टेंस है ठीक है ये टी टू टाइम स्टैंड पे है तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टी वन क्या है यहाँ पे टी वन ये जो टाइम स्टैंड टी वन है तो टी टू है तो टी टू क्या है आपका ग्रेटर देन है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका वैसे वैसे पार्टिकल क्या हो रहा है तो द ओरिजिन मूव कर रहा है ठीक है टूआर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है तो ये अगर कुछ केस ऐसा होता कि ये प्लॉट ऐसे नीचे की ओर चला सपोज करो तो जब ये ऐसे नीचे की ओर आता तो क्या होता है कि पार्टिकल इसका मतलब क्या ये पॉइंट था कि ओरिजिन तक पार्टिकल आ गया उसके बाद निगेटिव में मतलब ओरिजिन को भी क्रॉस कर गया तो इससे आप ये निकाल सकते हो कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन में है आप निकाल सकते हो कि पार्टिकल एक्सेलेटेड मोशन में है या फिर वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये चीज़ें आप जो है सो वीट मतलब तो एक्सटी कर्व को देख करके ही नहीं पता कर सकते हो